वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चलकर के वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं, और जिस तरीके से किसान नौजवान दुखी है उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई हैं, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है या डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। आज मैं राहुल जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। इनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।